इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। फ्रेंड्स, यहां पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म जो फिलिंग की डेट है कब से कब तक है। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करने के बाद में जैसे ही आप, ये बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम ये किधर से आपने एप्लीकेशन फॉर्म का ये जो डिटेल है, ये नोटिस है, ये कहाँ से लिया है। तो ये 20 अप्रैल को, जैसा कि यूजीसी के चेयरमैन ममी दला जगदीश कुमार जी ने कहा था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो गाइज यहां पे आ चुका है यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट जून 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म। साथ ही यहां पर डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एनटीए की तरफ से यहां पर यूजीसी का ये जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर पीएचडी के लिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो उसके लिए अब आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना होगा। यूजीसी नेट जून 2024 का अपडेटेड फॉर्म यहां पर रिलीज हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट यूजीसी नेट जून 2024 फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी इन 83 सब्जेक्ट्स इन ओएमआर पेन एंड पेपर मोड। ओ माय गॉड, यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये देखने में आ रहा है, इस बार आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होना है, बल्कि ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होगा। ये एक सबसे बड़ी अपडेट इस बार देखने को मिल रही है। तो यहां पर गाइस बात करते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में, 10 मई 11:30 बजे तक फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, अदरवाइज बंद हो जाएगी विंडो। वहीं लास्ट डेट है 11 मई से 12 मई के बीच में। आपकी करेक्शन विंडो जो ओपन होगी 13 से 15 मई। एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड की डिटेल आपको जल्दी ही जारी की जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून यानी एक ही दिन एग्जाम होगा, जैसा कि इन्होंने 10 से 21 तारीख की डेट दी थी, 10 से 21 जून की जो डेट दी थी वो नहीं हो रही है। ये भी बहुत अपडेट देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक दिन एग्जाम होना है 16 जून 2024। ओ माई गॉड, ये भी एक नया अपडेट है यहाँ पे कि अब आपका कोई शेड्यूल नहीं जारी होगा, सिर्फ एक दिन एग्जाम होगा, पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होना है। चलिए इसकी फीस जान लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 1150, वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 600, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर 325। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, विमेन कैंडिडेट्स भी हैं, अगर जनरल कैटेगरी में आ रही है 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस में आ रही है, ओबीसी एनसीएल में आ रही है, तो 600 रुपए देने होंगे। तो ये यहाँ पे लेटेस्ट चीज जारी हो चुकी है यहाँ पे, और बाकी की इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ध्यान रख लीजिएगा, आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर वही प्रोवाइड कीजिएगा जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर को ले सके। अदरवाइज कई बार क्या होता है, आप किसी से करवाते हैं नेट कैफे में और वो मिस हो जाता है, बाद में आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपने पास जरूर रखें। तो यहाँ पे बेहतरीन अपडेट के साथ आ चुका है, सिर्फ एक दिन का एग्जाम है आपका, ओएमआर शीट पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं हो रहा है। बहुत लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। कैसी लगी आपको यह अपडेट और इसके बारे में और आपका क्या कहना है, जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट।